प्रथम की छह राशियों की चर्चा के बाद आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं कालचक्र की सातवीं राशि तुला राशि के संबंध में। आज हम जानेंगे तुला राशि के लिए वर्ष 2022 किस तरह के परिणाम लेकर आने वाला है। तुला राशि के हर एक क्षेत्र के बारे में आज की वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तुला राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। तो हर राशियों की तरह मैं इस राशि में भी लंबे समय अवधि तक गोचर करने वाले ग्रह जिसमें देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह और राहु ग्रह, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन से भाव पर गोचर करने वाले, क्योंकि इनका जो प्रभाव होगा पूरे साल भर आपके एक ही भाव पर रहने वाला है, तो इसलिए इनका गोचर समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को गोचर करते हुए अपनी स्वराशि में जाने वाले हैं, यानी मीन राशि में जाने वाले हैं। चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तुला राशि के लिए जो मीन राशि का भाव है वह छठा भाव है, यानी आपके छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने वाले हैं। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल 2022 को गोचर करते हुए मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मेष राशि आपके सप्तम भाव में स्थित है। अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि यानी आपके पंचम भाव में स्थित होगी। उसके पश्चात 29 जुलाई 2022 को यह वक्री होकर मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से आपके चौथे भाव पर स्थित होगी, तो यह आपके तीन चार भाव अत्यधिक प्रभावित रहने वाली है। तो अब हम जानते हैं इन तीन ग्रहों के साथ साथ बाकी अन्य सब ग्रहों का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में विस्तृत पूर्वक जान लेते हैं। वर्ष के शुरुआत में आपको करियर के क्षेत्र में काफी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिसके चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने में सफल हो पाएंगे और आपको इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के साथ साथ कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। साल के प्रथम के महीनों में ही आपके लिए पदोन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि साल का दूसरा भाग करियर के लिहाज से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने सहकर्मियों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। जो लोग अपनी नौकरी या अपने काम को बदलना चाहते हैं, उन लोगों को नई नौकरी में जाने से पहले या नया काम पकड़ने से पहले उस कार्य के बारे में अच्छी तरह जानना और उसके बारे में विश्लेषण करना आवश्यक होगा। व्यापारिक रूप की अगर हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से पिछले वर्षों की अपेक्षा यह वर्ष आपके लिए शुभ वर्ष साबित होगा और आप व्यापार क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। साल के प्रारंभ में आपका जो पारिवारिक जीवन है वह आपका अनुकूल बना रहेगा। इस समय अवधि में आपको किसी कारण से घर से दूर जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके काम की अधिकता के चलते पारिवारिक सामंजस्य में कुछ कमी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण परिवार में मनमुटाव होना संभव है, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध भाग पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत शुभ साबित होगा। आपके परिवार में रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सुधार देखा जाएगा। आप परिवार के लोगों को खुश करने के लिए और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जिसकी वजह से परिवार में आपकी महत्ता में वृद्धि देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है और अप्रैल से सितंबर माह के बीच का समय धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि में अधिक खर्चे भी हो सकते हैं, खास तौर पर सितंबर के महीने में आप दिल खोलकर खर्च करते नजर आएंगे, इसलिए आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए धन को संचय करने के बारे में सोचना है, अन्यथा आपको वर्ष के अंत तक आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। अगर विद्यार्थी जातकों की हम बात करें, विद्यार्थी जातकों के लिए वर्ष 2022 बहुत शुभ साबित होगा। आपका इस समय अवधि में पढ़ाई लिखाई में मन लग पाएगा। आप शिक्षा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर अपने शिक्षकों का दिल जीतने में भी कामयाब रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को
अपने मेहनत के अनुसार वांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कुछ परेशानियां हो सकती है। आपको इस समयावधि में विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी, अन्यथा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। पाचन से संबंधित रोग या संक्रमण से संबंधित रोग आपको इस समयावधि में परेशान कर सकते हैं। हालांकि यह समस्या लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। आपको इस समयावधि में योग और ध्यान की आवश्यकता पड़ सकती है। वर्ष 2022 को अधिक शुभ बनाने के लिए आपको शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों के जाप के साथ साथ माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को आपको कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। और शुक्रवार के दिन किया गया सफेद चीजों का दान, यह भी आपके लिए लाभकारी परिणाम लेकर आएगा। तो यह था तुला राशि का वर्ष 2022 का संपूर्ण राशिफल। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।